हेलो दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए बना रही हूँ पूरी, आलू की सब्जी और हलवा। वैसे तो मैंने ये आलू की तरकारी बिना प्याज लहसुन के बनाई है, पर इसका स्वाद में कोई कमी नहीं होती है। बचपन में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती थी इस दिन के लिए, इस नवरात्रि के नौवा दिन के लिए, क्योंकि मेरे अगल मगल में काफी सारे घर में जो है ये पूजा होती थी। और इस नौ दिन में, मतलब ये लास्ट डे में बुलाते थे, छोटे छोटे लड़कियों को बुला के उन लोग को भोजन करवाते थे और साथ ही साथ बहुत सारा गिफ्ट्स भी देते थे। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती थी। और पूजा के लिए मैं ये हलवा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। पहले सूजी को अच्छे से भूंज के उसको दूध में भिगो देती हूँ, ताकि जो है सूजी दूध में अच्छे से भीग जाए, और फिर उसको मैं घी में मिला देती हूँ। इस तरीके से जो है सूजी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है और उसका टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट होता है। पूजा के दिन तो ऐसे ही समय का कमी रहती है, तो मेरी आलू की सब्जी और हलवा जब बन रही थी तो मैं पहले से ही पूरी के लिए आटा सान के रखी थी। और अभी मेरा हलवा भी हो गया है रेडी, तो मैं जल्दी जल्दी पूरी बना लूँगी। नवरात्रि के इस त्यौहार के लिए हम साल भर इंतज़ार करते हैं, ताकि जब माँ आए उनके लिए कुछ अच्छा बनाए और भोग में चढ़ाए, और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, है ना?